अस्सलामुअलैकुम भाइयों और उनकी बहनों, आपका भाई समी जंजुआ आपकी खिदमत में आज हाजिर है। आज आपके लिए लेके आए नया व्लॉग। इस टाइम मैं अपने छत पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि हम जा रहे हैं इधर, यहाँ पे है नड़ पंचपीर। आप सब ने नाम सुना होगा पंचपीर का। आज हम देखते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ पर बर्फ़ पड़ी या नहीं, लेकिन मौसम ऐसा चल रहा है कि कुछ असरात लग रहे हैं बर्फ़ के। तो जाते हैं, देखते हैं कि जी बर्फ़ वगैरह पड़ी है या क्या सीन है। बादल तो होंगे ही होंगे उधर, लेकिन बर्फ़ का कोई पता नहीं है। अभी निकलते हैं, घर वालों को इमरजेंसी में बोला है कि तैयार हैं। तो पेट्रोल वगैरह हमने डलवा लिए हैं, अब चलते हैं घर वालों को पिक करते हैं। बाकी एक लड़के को कॉल की थी कि पंचवीर का क्या सीन है, कोई बर्फ़ वगैरह पड़ी है, लेकिन कोई नहीं बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ी। अलबत्ता यहाँ कोटा में भी बारिश इस टाइम देख सकते हैं कि सही तेज़ लगी हुई है, और पंचवीर वाले एरिए में ब्लैक बादल हैं। मुझे अब नहीं पता बर्फ़ का क्या सीन है कि होगी या नहीं, फिलहाल नहीं पड़ेगी। तो बाकी व्यू देखते हैं। Later.
तो जा रही। Years later. फाइनली हम पंचपीर रॉक्स में पहुंच चुके हैं। गाड़ी पीछे खड़ी की है, आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है तो थोड़ी सी हाइक है। अभी हाइकिंग करके एंड स्पॉट आपको दिखाते हैं। तो होपफुली आपने पे बैक सारा व्यू इंजॉय किया होगा रास्ते में जो भी मैंने कैप्चर किया। तो जब तक हम पंचपीर रॉक्स के ऊपर तक पहुंच जाते हैं तब तक जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। 20 मिनट्स लेटर तो ये है वो पॉइंट जिस पे हम आना चाह रहे थे। अभी इस टाइम हम ऊपर हैं और बादल नीचे। ये वो पॉइंट है पंचपीर का जो मैं तो थक गई भाई। लोग दूर दूर से आते हैं, लाहौर से, कराची से हाइकिंग करते हैं और स्पेशल कैंपिंग भी करते हैं। तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट का नाम है पंचपीर रॉक्स। बादलों वाला सीन है, नीचे इतनी बड़ी खाई है। मैं आपसे यहाँ की जो लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले आया था जब यहाँ पे स्नोफॉल उस वक्त हो रही थी वो मैं आपको यहाँ पे आगे क्लिप्स शेयर करता हूँ वो देखिएगा। जिन बंदों ने स्नोफॉल नहीं देखी हुई कि पंचपीर में होती है तो इस टाइम ये आप देख सकते हैं कि फुल बादलों वाला सीन है नीचे। तो इस वजह से व्यू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे बंदा क्या कैप्चर करे। तो बस ये है कि मैं आपको आगे क्लिप शेयर करता हूँ, आप बर्फ़ वाले क्लिप सारे देखें। तो बाकी इस टाइम तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। तो हमारे साथ आ चुका है तो फिर हम घर पहुंच चुके हैं। अभी ये है कि रास्ते में थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली थी, फ्राइज वगैरह, समोसे वगैरह, समोसियाँ वगैरह, शोरमे वगैरह। तो चाय का वेट करते हैं। तो जब तक बनती है चाय हम करते हैं वहाद से बातें। वहाद
बाबा को मिस कर रहा था बाबा को। हाँ बहुत ज्यादा मिस करते हैं। क्या कहना चाह रहे? ओए होए होए स्माइल डालते हैं। हाँ बाबा को उम्मीद कर लेते है ना बहुत याद आती है। अभी ये हल्का हल्का जोन सा नाराजगी का इजहार कर रहा है, बाबा क्यों छोड़ के गए थे, क्यों झोल के गए थे। हाँ मिच करता हूँ मैं, है ना। तो आज अम्मी ने गाजरें निकाली हैं अपने गार्डन की, चेक करें जी अपने ही घर के गार्डन की गाजरें। तो बहरहाल वह आज खाइए फिर, अब चीज़ें आ गई हैं। तो चीज़ों में फ्राइज़ हमने लिए थे और जलेबी ली थी, शोरमे लिए थे और हमने समोसे और समोसियाँ, और चाय हमारी बन चुकी है और हम ये जब तक खाते हैं। और जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।